निकले आए थे तो उन्होंने भेंट में उन्हें चावल दिया था, तब से इसका नाम है भेंट द्वारिका। बाबा का यहाँ चश्मा पानी में गिर गया। हेलो बॉयज़, कैसे हैं सब? बढ़िया बॉयज़, अभी मैं इस वक्त हूँ द्वारिका में। सो अभी हम जाएंगे द्वारिका को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले जाएंगे द्वारिकाधीश और वहाँ पे द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे और जो भी वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उसे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, और आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी नीट एंड क्लीन सुंदर रूम है जो कि हमने लिया है, मेरे दोस्त ने लिया है इनफेक्ट, और काफ़ी 5-स्टार होटल है। ऐसे व्यू काफ़ी अच्छा आता है। सो दिस इज 5-स्टार होटल। फिलहाल अभी हमने एक ऑटो लिया है यहाँ का, जितना भी लोकल है लोकल मंदिर वगैरह कवर करने के लिए, और ये जो ऑटो का चार्जेस है ये 250 रुपये है। तो यहाँ पे सारे लोकल चीज़ को घूमते हैं और फिर जाके बस में घूमते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्वामीनाथ नारायण मंदिर। ये स्वामीनाथ नारायण मंदिर। बस मैंने ऐसा कपड़ा पहना है कि कैमरा में ये पूरा ब्लर टाइप का आ रहा है। सो मंदिर में तो कैमरा अलाउड नहीं है, फिलहाल कैमरा को अंदर रखते हैं और चलते हैं अंदर। स्वामीनाथ नारायण मंदिर। इन पॉइंट सिद्धनाथ महादेव मंदिर। ये जो मुझे भैया मिले थे ये भी सोलो ट्रेवल कर रहे थे, तो कल मैं इनसे मिला था सोमनाथ में, तो फिर सोलो ट्रेवल में हमारी दोस्ती हुई और फिर उसके बाद से हम साथ में ही घूम रहे हैं और अभी द्वारका में आए हुए हैं। इस कुएं को कवर करके रखा गया है, पता नहीं क्यों। चप्पल उठा के जो गायत्री शक्तिपीठ, और ये हमारा 3rd पॉइंट है। नहीं, आपको कुछ बोलना है? व्यू दिखाता हूँ यहाँ गायत्री शक्तिपीठ के पास, क्या व्यू है यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप शाम को आके बैठ जाए, जब आपका मन काफ़ी ज़्यादा उदास हो यहाँ पे बैठ जाए, समुद्र की लहरें को देखते रहे, ब्यूटीफुल व्यू। पता नहीं देगा, बस में आएंगे ना सब देगा। ये अभी हम लोकल पॉइंट घूम रहे हैं और फिर से हमारा 2 बजे से फिर से कुछ हमने बस में बुकिंग किया है तो उस पर हम जाने वाले हैं। फिर बॉयज यहाँ से तो जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ मिस कर देता। मैंने सोचा था मैं बस आऊँगा द्वारिकाधीश का दर्शन करूँगा फिर चले जाऊँगा, लेकिन आप मेरे अभी पीछे देखें ये जन्नत है जन्नत। अब द्वारिका में आए तो कभी घूमें। मसाला सोडा, वो रही हमारी टेम्पो, डिस्को टेम्पो, डिस्को टेम्पो। द्वारकाधीश का प्रसाद है ये।
सो बॉयज़, मैंने द्वारिकाधीश का दर्शन कर लिया है। वहाँ पे मोबाइल कैमराज वगैरह अलाउड नहीं था। सो 250 रुपये ऑटो वाले ने लिया और उसने जितने भी यहाँ पे लोकल थे 6 किलोमीटर के दायरे में उसने हमें घुमाया और फिर हम द्वारिकाधीश गए। अभी हमने एक बस लिया है जिसमें हमें 100 रुपीज़ पड़े। ओके, सो उसमें अभी हम जाएंगे सारी द्वारिका के जो भेट द्वारिका वगैरह है वो सब घूमने के लिए। सो एंड तक ज़रूर देखें। रूम के अंदर वीडियो लेने। ये रुक्मणी माता का मंदिर है, यहाँ हमने अभी दर्शन कर लिया है। यहाँ की स्टोरी मैं आपको कभी और बताऊंगा। और ये जो पूरे एरिया में यहाँ पे मीठा पानी नहीं आता है इसके पीछे एक कारण है। दिस इज नागेश्वर मंदिर। ये सारा ट्रिप हम बस में कर रहे हैं, काफ़ी सारा यात्री है, काफ़ी एक गाइड भी हमें मिला है, वो सारे चीज़ इसकी स्टोरी वगैरह सारी चीज़ हमें बता रहे थे बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कुछ कुछ रीज़न है तो उन लोग मना कर रहे थे। अच्छा, इसका नाम क्या है, नागेश्वर महादेव या ओनली नागेश्वर? नागेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव मंदिर। हाँ, बॉयज़ दिस इज़ नागेश्वर महादेव मंदिर। बॉयज़ अभी हम लोग गोपी तालाब जा रहे हैं। यहाँ पे जो श्री कृष्ण की जितनी रानियाँ थी वो तालाब में समा गई थी ऐसा हमें पंडित जी बता रहे थे बस में। अब क्या फैक्ट है क्या नहीं, वी डोंट नो। चंदन की मिट्टी बनी है और जो तालाब से ही बनाई जाती है, जो तालाब में ये मिट्टी मिलती है वो चंदन होती है। ये सारा मिट्टी चंदन रहता है क्या? मिट्टी चंदन नहीं है, चंदन जैसा है। दिस इज गोपी तालाब। बॉयज अभी हम लोग यहाँ पे हैं, अभी हम सीट पकड़ के यहाँ से यहाँ जाएंगे। ये है बेत द्वारिका, BET ना, बेत द्वारिका। जैसा कि हमें पता चला सुदामा जी जब श्री कृष्ण से मिलने आए थे तो उन्होंने भेंट में उन्हें चावल दिया था, तब से इसका नाम है बेत द्वारिका। तो बेत द्वारिका ये जो समुद्र का बीचों बीच है, तो यहाँ से हम स्टीमर बोट पे जाएंगे ना। अगर आप मैप में देखेंगे तो गुजरात के ऊपर में एक छोटा सा बेत द्वारिका आपको मिलेगा, हम लोग वहीं जा रहे हैं। ठीक है, अरे भारत का सबसे पहला विलेज है, भारत का सबसे पहला विलेज ये है। मजा गुजरात का सबसे एंड भी, गुजरात का सबसे एंड भी और पहला भी। कराची यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर। हाँ, मैं यहाँ से जो कराची की दूरी है वो 50 किलोमीटर है मात्र। सो एंड तक ब्लॉग देखें, मज़े करें। बॉयज अगर हम यहाँ से सीधा जाते हैं तो हमें कराची मिल जाएगी, काफ़ी सामने है यहाँ से। ये सारे मछुआरे मछली मारने में तैयार है। अभी हम एक बीच आइलैंड पे जा रहे हैं जिसका नाम है बेट द्वारिका। अभी हम आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे बेत द्वारिका। और अभी हम यहाँ पे हैं और हमें ये बेत द्वारिका जाना है। यहाँ पे ये एक टोटल आइलैंड है। बाबा का यहाँ चश्मा पानी में गिर गया।
द्वारिका भेंट का भेंट द्वारिका का दर्शन कर लिया है। ये उसका मेन गेट है। ले रहे हैं, कितने का है? बजा के दिखाइए तो, एक बार बजाइए ना। चलिए, इस शंख की मधुर ध्वनि सुनते हैं। वही बजाओ। हम लोग वापस आ गए हैं, सो अभी वापस रूम जाना है बस से, और कल मेरा ट्रेन है अहमदाबाद के लिए, फिर वहाँ से मेरा जयपुर के लिए बस है। अभी कुछ ट्रेन की टिकट से नहीं मिली, सो मैं कंटिन्यू ट्रेवल कर रहा हूँ। और जो सबसे अच्छी मुझे लगती है, मैं रात को किसी दूसरे शहर पे सोता हूँ और जब मेरा नींद खुलता है तो मैं किसी दूसरे शहर पे रहता हूँ। सो बॉयस, मैं घर से निकला था अकेला और सोमनाथ में मेरी मुलाकात किस्मत से हुई, और वो भी सोलो ट्रैवल कर रहा था, मैं भी सोलो ट्रैवल कर रहा था। वहाँ से हमने साथ में ट्रैवल किया। अगर मेरे साथ किस्मत नहीं होता तो मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस कर देता द्वारिका और सोमनाथ में, और मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता घूमने के लिए। सो थैंक्स किस्मत, और भी हमें कुछ दोस्त मिले द्वारिका में जो अकेले ट्रेवल कर रहे थे। काफ़ी मज़े का दिन रहा, काफ़ी मज़े का टूर रहा। अगर आप द्वारिका जा रहे हैं तो वहाँ पे जाए, काफ़ी मस्ती करें, काफ़ी सुंदर जगह है और काफ़ी आपका माइंड फ्री होगा, आपको काफ़ी शांति मिलेगा और आपको थोड़ा भी रिग्रेट नहीं होगा। सो हमने काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया। उसके बाद मैं जयपुर चला गया और मैंने जयपुर में 3 दिन एक्सप्लोर किया। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।